नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइंस बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है, 7 इंच इसकी लंबाई ले रखी है और इस तरह से आर्म होल का निशान किया। अब इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे, देखिए 2.5 इंच लिया, 2.5 इंच की इसकी गोलाई रखेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। गहराई लेना है गोलाई में, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया और इस वाली साइड से इस तरह से निशान किया। अब इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना है और इस तरह आप कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगाना है। जहाँ से निशान है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगाना है। इस तरह सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ से कट होगा। ये दो पार्ट इसके निकल कर आएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह कट लगेगा, पूरे पर दोनों पार्ट में कट लगेगा और उसके बाद सिलाई डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई इस पर लगाएंगे। तो पूरे पर हमें सिलाई इस तरह लगा लेनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेना है। और देखिए इस वीडियो में हम दो स्लीव के डिजाइंस बनाना बताएंगे। दोनों ही बहुत ही प्यारे हैं, आप दोनों डिजाइंस देखें, लास्ट तक वीडियो देखें। देखिए इस तरह से अब सिलाई लगाकर हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार हुआ। दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया। उसके बाद देखिए ये डोरी बना कर ली है प्लेन वाले कपड़े से। तो इस तरह से पतली डोरी कपड़े की ही तैयार कर लेनी है और फिर इस तरह देखिए इसको लगाना है। यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। मार्जिन के लिए जो हमने कपड़ा ले रखा था 1.5 इंच, उसे उस पर छोड़ देंगे। जितना फिटिंग का निशान आएगा वहाँ से डिजाइन हमें लगानी है। तो आप नाप सकते हैं आपकी जो स्लीव की फिटिंग है उतना लेकर इस तरह डिजाइनों को अब लगाना है। अब ये पूरे गले सॉरी पूरे पर ये रहेगी, ऊपर तक यहाँ तक ये लगाना है। दोनों साइड में देखिए हमने इसे लगा लिया है। अब ऊपर जो कट की चौड़ाई, जैसा कि हमने बताया है कि 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से ऊपर में चौड़ाई हमारी रहेगी। उस पर हम पप बनाएंगे, उसके लिए कपड़ा लेंगे। इसको यहाँ पर पहले जोड़ लेना है। अब जो ऊपर कट रखा है उस पर पप बनाना है, उसके लिए भी हमें कपड़ा लेना है। इस तरह से कपड़ा ले लेना है और छोटी छोटी सी इस पर चुनटें डालना है, बिल्कुल पास पास एक दूसरे के। देखिए इस तरह से ऊपर ही हमने निकालते हुए चुनटों को रखा है, एक दूसरे के ऊपर टच करते हुए इस तरह छोटी छोटी चुनट डाल रखी है। अब इस वाली साइड से थोड़ा फैलाएंगे, ये नीचे वाला पार्ट है, ये साइड नीचे वाली तरफ रहेगी और इस वाली साइड से थोड़ा थोड़ा फैलाना है और इस तरह चुनटें डाल लेना है। कट की जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से लंबाई रखनी है कपड़े की। और देखिए हैवी चुनट यहाँ पर रहेगा, ज़्यादा कम नहीं रखना है, ज़्यादा ही चुनट इस पर रहेगी तो ही अच्छी आएगी। तो कपड़े की लंबाई ज़्यादा रखनी है, चुनटें हमें पास पास इस तरह देनी है। तो ये देखिए इसको लगा दिया। इसे लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पर मोतियाँ लगानी है। अब जो डोरी वाली डिजाइन है हमें पूरे पर इस तरह मोती लगा देनी है। 2-3 डिजाइन हमने छोड़ रखी है, उसको ज्वाइन जब स्लीव को अटैच कर देंगे उसके बाद इस पर मोती लगाएंगे, जो 1-2 डिजाइन रह जाएंगे ताकि सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। पूरे पर इस तरह लगा लेंगे। यहाँ से जो ऊपर कट पर लगाई है हर एक डिजाइन पर, डोरी वाली डिजाइन पर इस तरह मोती लगेगी। तो पूरे डिजाइन पर हमें इस तरह से लगा कर इसे पूरा कर लेना है। तो ये मोतियाँ देखिए हमने इस तरह से लगा ली है। मोती लगाने के बाद ये डिजाइंस हमारा यहाँ का तैयार हुआ। अब नीचे हमें इस पर लटकने रखनी है, उसके लिए इस तरह कपड़े की लटकन बना ली है। थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। अब इसको इस तरह लगाना है, देखिए धागे में इसको डाल लेना है और इसमें मोतियाँ डाल लेना है। अब मोती इसमें डाल लेंगे, अब मोतियाँ डालने के बाद यहाँ पर ले जाकर लगाना है इसे। तो जितनी बड़ी रखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं अच्छी लगेगी, बस साइज की ही रखना है। तो उतनी मोती हमने डाल रखी है, देखिए इस तरह इसको लगाएंगे। अब यहाँ पर ले जाकर इसे लगा देंगे। तो इस तरह लगा दिया। अब इस पर जो और लटकन लिया है उसको भी लगा देंगे। तो ये हमने देखिए लटकन लगा दिया, 2 लटकने हमने इस पर लगाई है, आप चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये फ्लावर यहाँ पर लेंगे, इस तरह का फ्लावर हमने
ले लिया है। और इस तरह का फ्लावर हमने कई बार बनाना बताया है, तो इस तरह बना कर ही लिया है। और यहाँ पर देखो इसको लगा देना है, ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ, जॉइंट भी हमने कर लिया है। अब दूसरा डिजाइन बनाना बताएंगे। तो ये भी डिजाइन काफ़ी प्यारा है, बहुत ही आसान है, तो इसे भी देखिए, पूरा देखिए। देखिए इस तरह से हमने इसके 8.5 इंच लंबाई ले रखी है। ये बड़ी रहेगी डिजाइन, वो छोटी स्लिप की है, ये बड़ी स्लिप की। अब यहाँ से देखिए हमने इस तरह मार्क किया, 1 इंच 1.5 इंच से थोड़ा कम लिया है, 1.5 इंच का भी आप ले सकते हैं, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो सही ही रहेगा। अब इस तरह कट का निशान कर लिया, नीचे से छोड़ रखा है 1 इंच, और ये निशान करने के बाद अब इस पर सिलाई बिल्कुल वहीं से डाल लेनी है। तो ये हमने इस तरह से सिलाई बिल्कुल वहीं से डाल ली है। तो देखिए यहाँ पर कट लगा देंगे, 2 कट हमने इस तरह से देखिए यहाँ पर लगा दिया। कट लगाने के बाद अब हमें अंदर की तरफ इसे पलट लेना है और ऊपर से एक सिलाई इस पर लगा देनी है। तो सिलाई इस तरह पूरे पर लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड से सिलाई लगा देनी है, पहले कट पर लगाया, अब साइड से लगा दी। तो ये इस तरह लगा दिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे। तो ये कट कर लिया, अब यहाँ से देखिए इसको फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। तो हमने देखिए सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हमें लेना है इस तरह से कपड़ा, एक तरफ से मोड़ते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। एक ही लेयर में लेंगे, चाहे तो आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं। ये पतला कपड़ा हमें एक ही लेयर में लेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा सा लुक आए। अब इस पर इस तरह यहाँ पर देखिए हमने चुनटे डाल रखी है, मशीन से ही सिलाई डाल ली है। अब इस पर मोती लगाना है हमें, तो इस तरह से मोतियाँ लगाएंगे, जो चुनटे डाली है उसके बीच में से ऐसे मोतियाँ निकालते हुए लगाना है, हर एक चुनट के बीच में से नहीं, थोड़ी थोड़ी दो दो चुनटे करते हुए हमने इस तरह मोती लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी सिलाई के इस साइड भी बीच में से जो सिलाई डाली है दोनों साइड से इस तरह चुनटों के बीच में करते हुए 3-3 मोती लगाएंगे। तो इस तरह हमें डिजाइंस तैयार करनी है जितनी इस पर लगेगी। तो ये देखिए हमने एक तैयार की, बाकी तैयार कर ली थी पहले ही, अब इसको यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से ये लगेगा, देखिए दोनों तरफ बराबर से मिला लेना है ताकि दोनों साइड ये लगाने के बाद बिल्कुल बराबर से आए, थोड़ा भी इधर उधर ना हो। तो पहले एक डिज़ाइन मिला लेंगे, फिर उसी के साइज की रखते हुए लगाना है इन सबको, सब पर। तो इस तरह देखिए हमने लगा ली है, अब दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। बराबर से मिला लेंगे, पहले देखिए इस तरह बराबर से बनाते हुए सिलाई डालना है, थोड़ा भी तिरछा ना रहे, अच्छे से डिजाइंस हमारी लगे। अभी देखिए इस तरह से फ्रिल लगा देंगे नीचे। अभी फ्रिल हमने तैयार कर ली, अब नीचे लगा दिया, अब बॉर्डर लगा देंगे, उसके बाद डिजाइंस हमारा तैयार हो जाएगा। तो अगर हमारा दोनों डिजाइंस हमारे अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।